अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, लीजिए जी रजब की टिकियां, मीठी टिकियां, उनकी रेसिपी भी हाजिर है। बड़े सादे तरीके से बना रही हूं ताकि कोई जो है बच्चा भी बनाना चाहे तो इसको बना सके। बिल्कुल सादे इंग्रेडिएंट हैं इसके लिए। कुछ हमने ड्राई फ्रूट लेना है जो आपके मनपसंद और जो अवेलेबल है वो आपने लेना है। कोकोनट पाउडर है तकरीबन 3 टेबल स्पून, और इसी तरह 2 टेबल स्पून तिल है, 2 टीस्पून जो है वो इलायची है, इलायची का पाउडर है। और यहाँ पे 1/4 कप आपने लेना है दूध, ठीक है। मैंने थोड़ा सा 1/4 से ज़्यादा लिया है, मैं ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ, लेकिन आप 2 रेशो में बताऊँगी, आप उसी तरीके से जो आपको सूट करे वो आप बना सकते हैं। अच्छा, रेशो आपने कोई भी जब लेनी है तो आपने रखना है 3 कप जो है 1/4 है कप आपने रखना है मैदा, और 1/4 आपने रखना है सूजी। उससे क्या होगा कि ये ना क्रिस्पी बनेंगी आप, उसके मैं कुछ और भी निशानियाँ बताती हूँ आपको, इससे आपको वो जो है अंदाज़ा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 3/4 कप जो है वो मैंने लिया है मैदा, और 1/4 जो है ऑफ कप मैंने इसमें सूजी डाल दी है। इसको जब आप हाथ से भी मसलेंगे ना तो आपको इसका दाना महसूस होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाथ को हल्के हल्के इसका दाना लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन हाफ से थोड़ा कम पानी जो है मैंने दूध लिया है, और इसको आपने सिर्फ चीनी हमने घोलने के लिए इस्तेमाल करना है। सारे जो हैं ड्राई इंग्रेडिएंट मैं इसमें डाल रही हूँ, इलायची पाउडर, कोकोनट पाउडर और बादाम हैं, और चीनी अब इस दफ़ा जो है हमने सूजी और उसके बराबर चीनी नहीं लेनी, हमने 1/2 कप चीनी लेनी है। अच्छा, दूध का अगर आप बेशक इसे थोड़ा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो आपको जो है ना वो मसला नहीं हुआ कि इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा दूध या वो डालना पड़े। अगेन चीनी इसका डालने का मकसद सिर्फ जो है दूध का, एक तो थोड़े इसमें मिल्की टच आएगा और उसका चीनी को डिसॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ पानी। और तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें ऑयल, रेशो आप दिमाग में रखें 1 कप है बस। यहाँ पे अभी इसको हमने जब चीनी डिसॉल्व हो जाएगी तो लिक्विड हमने ठंडा करना है, और अब इसको हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए पानी इसने, चीनी ने भी छोड़ा है ना, तो काफ़ी हद तक इसका लिक्विड काफ़ी हमारे पास आ गया है। और अगर ऐसा हो जाए ना, जैसे अभी आपने बनाना है हलवा भी साथ बनाना है, तो आपने ये शीरा इस तरह बना के रखा होगा ना, तो पहले आप रोटियाँ बना लीजिएगा, और उसके बाद अगर बच जाएगा तो आप हलवे में डाल सकते हैं। अच्छा, और मीठा जो है आपको जब थोड़ा इसमें लगेगा ना लिक्विड में, तो आपने इसको चखने, आपने इसमें इसको थोड़ा सा आपको अगर तेज़ी की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब है कि इसका मीठा जो परफेक्ट है, और इसका बिल्कुल ज़बरदस्त मीठा था इन रोटियों का। अभी जो मैंने आपसे कहा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा इसको समझे आप, मैंने 1.5 कप के हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये तकरीबन आधा कप मैंने मैदा और डाला है, और इसमें 1 टेबलस्पून जो है 1.5 टेबलस्पून मैंने सूजी और डाली है बस, इसको भी मैंने मिक्स करके, और बाकी जो है शीरा मैं इसमें डाल दूँगी। ये बना के रखी भी हो तब भी आप जब चाहें इसको आप वैसे ऐसे स्नैक भी खा सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह हमने जुड़ेगा, स्टिकी है, लेकिन आपने इसको कोई पानी नहीं इसमें डालना, आपने इसमें कुछ बहुत भी अगर आपको लगेगा ना तो आपने हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा के इसको यूँ मिक्स करके रख लेना। अभी ये टाइट हो जाएगा, दोबारा सूजी फूलेगी ना तो ये टाइट हो जाएगा। अभी देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया ना, अभी ऑयल भी नहीं लगाया, चिपक रहा है मेरे हाथों को, लेकिन इसको भी कुछ भी नहीं करना आपने। अच्छा, कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आपने अगर अपने गेस्ट को सर्व करना है तो मैं इस स्टेज पे जो पकाने वाले तो चख भी लेते हैं, तो मैंने तो चख भी लिया था तो मुझे परफेक्ट था, तो बस अब इसको ढक के हमने रख देना। 1 घंटा रख दीजिए, आधा घंटा रख दीजिए, या आधे घंटे के बाद आप कभी भी पका सकते हैं इसको। ये देखिए अभी टाइट सी डो होगी, सूजी फूल गई है और डो जो है वो टाइट हो गई है, देखिए और हाथों को नहीं लग रही, देखिए इसको बस हमने रोल कर लेना है। इसी को सबको इसको बड़ा एक बना लीजिए, लेकिन आसानी के लिए या तो इस तरह इंडिविजुअल आप बना लीजिए पेड़े करके छोटी छोटी रोटियाँ,
लेकिन ज़रा क्योंकि अंदाज़ा कभी छोटे बड़ी का हो जाता है, तो आप ऐसे कीजिएगा इसको बड़ी बड़ी रोटियां बना के कोई भी एक सांचा या कटर लेके उससे हम इसको काट लेंगे। ये मैंने चार हिस्सों में करके, तो अब ये इसको रोल करना ज़रा आसान हो जाता है, छोटा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मोटा आपने नहीं रखना, क्योंकि वो फिर ये होगा कि वो जो है ना आँच थोड़ी कम ज़्यादा होने से ना वो बीच में कहीं कच्ची ना रह जाए। तो ये बस ये देखिए इस तरह आपने इसको रोल करके और कटर से इसको आप इवन एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे यूजली हमारे यहाँ नहीं होता, हम इसको पेड़ा बना के रोटी ही बना लेते हैं, ये कटर वगैरह यूज़ नहीं करते। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि ये जो है ना खाने में आसानी रहती है, सर्वे में आसानी रहती है, तो आप इस तरह छोटे हिस्सों में करके भी आप इसको बना सकते हैं। कोई भी स्टील का ग्लास, शीशे का ग्लास, या कोई भी आपका जो साइज आप चाहते हैं, ये देखिए इसकी बस ये थिकनेस रखनी है हमने। दूसरी ज़रा बड़ी मैंने बना लिया। अच्छा, ये तेल जो थे वो मेरे पास थे, इसको मैंने थोड़ा उनके ऊपर डाल के अब रोल करूँगी और फिर पलट के इसको रोल करेंगे। ये ज़रा और अच्छी तरह दब जाएगा इसमें। और यूं ही दोबारा हमने इसको कटर से किया, और जो बाकी बच जाएगी वो फिर हम उसको रोल कर लेंगे दोबारा। अच्छा, ये मैं हल्का सा जो है ना इसकी नाइफ की बैक से इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि ये फूले ना। आप चाहें तो यूं कर लें, चाहे इसके ऊपर कोई पैटर्न बना लें, चाहे इस तरह पोक कर लें, फोर्क के साथ आप कर लें। मकसद सिर्फ ये है कि रोटी जो है वो दरमियान में से फूले ना, पैटर्न के दरमियान भी कहीं कहीं आप इस तरह नाइफ के साथ इसको पोक कर लीजिएगा। अच्छा, हमने मीडियम से थोड़ा लो इसको रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपरली पकना चाहिए अंदर से, तो हमने इसको इसको मीडियम भी नहीं रखना, इसको आराम से पकने देना। ये देखें जो थोड़ा सा पीस डाल के अंदर देखिएगा, वो बड़े आराम से अगर ऊपर आएगा तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। तेज़ी से अगर ऊपर आया तो इसका मतलब है तेल बहुत ज़्यादा गर्म है पूरियों की तरह, वो हमने नहीं करना। ये देखें बिल्कुल आराम से इसमें सिजल होना शुरू हुआ ऑयल। ओवर क्राउड नहीं कर देना कि बाद में आपको पलटाने में इसको जो है वो मुश्किल हो और वो टूट जाए रोटी। मेरा छोटा पैन है, मैं इसको थोड़ा तीन तीन करके डालूंगी। तेल गर्म हो जाएगा तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं उसका टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। ये देखिए ये पैटर्न की आपको डिटेल मैं दिखा दूँ कि इसमें दरमियान में मैंने उसको नाइफ के साथ पोक भी किया हुआ है, तो अब ये जो है भाई ये फूलेंगी नहीं। इससे अच्छा सा इसके ऊपर क्रस्ट आ जाएगा, ऊपर क्रिस्पी होंगी, अंदर से ये सॉफ्ट होंगी। और आंच देख लीजिए बिल्कुल मीडियम लो है। शुरू में आपने अच्छे इसको पलटाना इस तरह नहीं, बस हल्का सा हिला दीजिएगा। पैन को हिला दीजिएगा या फिर कोई भी स्पैचुला के साथ, बस तेल को हिलाइएगा, इनको ना हिलाइएगा। जब थोड़ा ये फर्म हो गई हैं तो अब हमने इसको पलटा दिया साइड पे, देख लीजिएगा कलर आ गया, तो अब इसको हम पलटा दें। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है ग्रेजुअली। जो ही दोनों साइड से गोल्डन होंगी तो बस ये देखिए हम कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सी बन गई हैं, इनको हम निकालते हैं। अब चाहें तो आप इसको और थोड़ा ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी इस तरह का वो है, कलर बिल्कुल ठीक है। ये अब थोड़ा ऑयल गर्म है तो इसमें आप बेशक चार भी डाल दीजिए। तो बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इनको सारी जो है हमारी टिक्कियाँ उनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए जी, कोई आपको ऑयल इसमें नज़र नहीं आ रहा, कोई ये तेल में तैरती हुई नहीं है, और बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता किस्म की हैं। और ये देख लीजिए ऊपर क्रस्ट है, अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि बिल्कुल नर्म है
और ज़बरदस्त सी ये बन चुकी हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगी। अगर आपने बना के रख लिया तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, देख लीजिए। तेल आपने इसलिए मैंने एक पे ज़रा ज़्यादा है कि चाहे तो आप, कई लोगों को नहीं पसंद आते तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे बेशक ओमिट कर दीजिए, सिर्फ मैदे के अंदर डाल दीजिए। और ये देखिए अंदर कितनी सॉफ्ट है, ये आराम आराम से पकी हुई हैं और बाहर ये क्रिस्पी हैं, खस्ता हैं एक्चुअली। जो पत्थर की के बन जाती हैं ये वो नहीं, उस तरह नहीं बनेंगी। और ये देखिए जिसमें ज़रा हमने थोड़े ज़्यादा तेल लगाए, देखने में प्यारी लग रही हैं ये, लेकिन ये टोटली आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो लीजिए जी ये टिक्कियाँ, रजब की टिक्कियों की रेसिपी भी आपके पास आ गई, पूरा मेन्यू कंप्लीट हो गया। अब आप इसको बनाइए और जो है दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।